Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. टेक्नोरूज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, डेली आपके लिए गर्मा गर्म खबर लाना मेरा एक टास्क है और मुझे बहुत मजा आता है। बस एक चीज़ कहूँगा, आज थोड़ा सा मायूस हूँ मैं, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स की जो ग्रोथ है वो कम हो रही है। मैं डेली मॉनिटर करता रहता हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या कमी हो रही है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कंटेंट को इम्प्रूव करने की और मैंने पूरी एक लिस्ट भी बनाया हूँ कि किस किस तरीके की आपको वीडियोज़ देना है। जो आपने सजेशन दिया था उस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो जो आपको चाहिए हम वो भी करने को तैयार है। और बहुत सारे लोग ऐसे अभी भी जो वीडियोस देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं करके रखे, तो मैं यही बिलीव करता हूँ ज़्यादातर, तो भाई कि जिसको करना है वो करेगा, फोर्स करके मतलब नहीं है। मैं भी अगर आपकी जगह होता तो मैं भी वैसे ही करता, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मांगना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर बोलेंगे तो आप सपोर्ट देंगे और आपने अभी तक मुझे दिया है। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि आप लोग हैं तो मैं हूँ। मेरे लिए आप सबसे बड़े ब्रांड्स बाद में है, बाकी सब बाद में, लेकिन आप लोग ने मुझे यहाँ तक लाया है और आगे भी आप लोग लेके जाइए, इंशाल्लाह हम बहुत आगे जाएंगे। बस सब्सक्राइब करिए और हमारे ग्रोथ हमको बढ़ानी है, बहुत आगे जानी है। ऑलराइट, पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि आपके फोन में स्क्रीन रिफ्रेश रेट क्या है। लगभग 70% के आसपास लोगों ने कहा 60 हर्ट्ज। जी हाँ, मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया ये सुन के। साथ में आज हमने मोटरोला के फोन्स की अनबॉक्सिंग किया है, अगर आपने नहीं देखा है आप देख लीजिए। कल की टेक न्यूज़ रात में आएगी, लेट आएगी, क्योंकि कल रियलमी के दो फोन्स आ रहे हैं, आई थिंक 1-2 बजे आएगा, 6:30 बजे आएगा, उनकी अनबॉक्सिंग मिलेगी, आप बने रहना। लाइक करिए दोस्तों, प्यारा सपोर्ट बनाए रखिए। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की बात करते हैं इंटेल की। देर आए पर दुरुस्त आए, मैं ऐसे ही कहूँगा, क्योंकि इंटेल ने फाइनली अपनी न्यू आर्क GPU सीरीज को अनाउंस कर दिया है। ये 2022 से हमें जो वो देखने को मिलेंगे लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स में, लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गए और बहुत ही पावरफुल हो गए, यानी कि आप इनमें रे ट्रेसिंग वाले फीचर्स भी देख सकते हैं, जैसे कि NVIDIA वगैरह के GPUs में हमें देखने को मिलता है। अब इंटेल GPU के मामले में उनसे भी कम्पीट करेगा ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि उनकी जो IRIS XE वाले ग्राफिक्स हो गए ना, जो CPU के साथ होते हैं, ये भी वैसे ही हो गए, सेम आर्किटेक्चर पर बेस्ड हो गए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए। तो इंटेल भी दोस्तों अब GPU के मामले में बहुत आगे जा रहा है और ये उसका एक एग्जांपल है। 2022 में देखते हैं कि इनकी जो न्यू आर्क सीरीज वाले जो GPUs हैं वो कैसे काम करते हैं, ये तो आएगा तो ही पता चलेगा। गूगल पिक्सल 5a 5G, इसके ऑफिशियल फोटोज बाहर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, ये उसका फर्स्ट लुक है, देखकर तो काफी क्यूट लग रहा है। हालांकि रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो अभी डिस्प्ले IPS होगा, AMOLED होगा, ये क्या कर रहे हैं इसके बारे में श्योर नहीं है। सिंगल पंच होल लेफ्ट साइड में, वो आप देखेंगे गौर से तो आपको दिखाई दे रहा है। अनफॉर्चुनेटली बताया जा रहा है कि ये इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, दूसरे मार्केट्स में जा सकता है। हालांकि पिक्सल 4a तो आया था, पिक्सल 5a को भी लाना चाहिए था, हो सकता है लेट आए। वैसे क्या लगता है दोस्तों, पिक्सल 5a 5G इंडिया में आना चाहिए? कमेंट में जरूर से बताना। आज मैं कुछ नहीं के बारे में काफी सारे बात करने वाला हूँ। एनीवेज, नथिंग वाले जो है, इनका जो ईयरफोन लॉन्च हुआ था इंडिया में, फ्लिपकार्ट पर आज इसका सेल था 2 मिनट में 4.8K, यानी कि ऑलमोस्ट 5,000 ईयरफोन्स सोल्ड हुए सिर्फ 2 मिनट के अंदर। मैं भी पर्सनली इनका इस्तेमाल करता हूँ, अच्छा चल रहा है फिलहाल के लिए, बैटरी से मुझे कोई इशू नहीं हुई, लेकिन अब थोड़ा कनेक्शन में इशू आ रहा है। आप समझते हैं, जब हम और डिटेल रिव्यू करते हैं तो हमें पता चलता है, शुरू शुरू में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन आप कभी कभी केस ओपन करता हो तो थोड़ा इशू हो जाता है कनेक्शन में, ये मैंने देखा, बाद में फिर कनेक्ट हो जाता है। एनीवेज, मे बी वो अपडेट से फिक्स्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों 2 मिनट में ऑलमोस्ट 5,000 लोगों ने इंडिया में इसको परचेस किया, एक बहुत बड़े नंबर से। वैसे आपने किया था, कमेंट में जरूर से बताना। बात करते हैं कुछ उजड़ा चमन न्यूज की। वारी है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। वोडाफोन आइडिया दोस्तों, ये इंडिया में उनका जो Q1 है, फर्स्ट हाफ की अगर बात करूं तो 7,319 करोड़ का उनको नुकसान हो गया। हाँ, वैसे भी 1.5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा हुआ है और उनको नुकसान हो गया, इसीलिए उनके जो चेयरमैन थे वो टाटा बाय बाय करके निकल गए थे। इनका जो फ्यूचर इंडिया में वो बहुत खतरनाक है और ये कभी भी शटडाउन हो सकती है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ रहा है। अब इनके लिए मेरे पास दो फीलिंग्स है, एक तो मुझे बुरा भी लग रहा है, लेकिन मेरे को अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि जब जियो नहीं था तो इन लोगों ने हमें बहुत लूटा था, ये और एयरटेल, याद होगा ना, महीने के सारा 200-200, 300-300 रुपए के रिचार्ज करना पड़ता था और महीने के खाली 2 GB मिलते थे। जियो आने के बाद डेली हमें 2 GB मिला, तो हमें एहसास हुआ 4G की वैल्यू पता चली है। इन लोगों ने हमें बहुत लूटा था, याद रखना। आइए ले जाइए दो कचार, आइए आइए दो कचार, एक सेकंड, ये क्या है? अच्छा, सैमसंग गैलेक्सी M52 5G आ रहा है, हाँ इंडिया में लिस्ट हो गया है। M32 5G आ रहा है, ये भी आ रहा है, A52S भी आ रहा है, वो भी 5G होगा, वगैरह वगैरह। मैं दो का चार इसलिए बोल रहा था, जहाँ रियल मी दो फोन लॉन्च कर लेता है एक टाइम पर, कभी कभी शाओमी कर लेता है, उस टाइम पर सैमसंग के 4 फोन आ जाते हैं।
आइए ले जाइए 2 का 4 2 का 4 2 का 4 2 का 4 2 का 4। वैसे दोस्तों Redmi 10 सीरीज में हमें काफी सारे फोन्स देखने को मिल सकते हैं, खाली Redmi 10 नहीं होगा, और ये तो हमें पता ही था। Redmi 9 में इतने थे कि मैं खुद भूल गया। खैर, Redmi 10 Prime दोस्तों, ये भी दोस्तों लिस्ट हो चुका है इंडिया की IMEI डेटाबेस पर, यानी कि इंडियन वेरिएंट लिस्ट हुआ है, और ये फोन हमें Redmi 10 के साथ में देखने को मिलेगा। तो Redmi 10 आएगा, Redmi 10 Prime होगा और वगैरह वगैरह, तो देखते हैं दोस्तों, आने दीजिए। ये अभी ऑफिशियल तो कंफर्म्ड हो चुके हैं, बस इंडिया में कितना जल्दी क्या प्राइस पर आते हैं थोड़े टाइम में पता चलेगा। मुझे लगता है कि OnePlus की जो इंडिया टीम है ना, वो आपस में ना ऐसी बात करती होगी, वाना मोहो टंटा टंटा इन्फोनाइट प्रोक्सीमा, और आज उन्होंने किया है मोलो, पोलो नहीं बोलो। एक नया ट्रेडमार्क फाइल कर दिया, मैं पागल हो रहा है, ये क्या कर रहा है OnePlus? अंड शंड चीजें कर रहा है। आज की सबसे कड़क खबर की बात करें दोस्तों, वो आ रही है iQOO की तरफ से, iQOO Z5 दोस्तों, iQOO Z3 जो है मे बी उसका ही सक्सेसर होगा। ये फोन जो है दोस्तों लॉन्च होने वाला है बड़ी ही जल्दी, लेकिन इसका इंडियन वेरिएंट भी जो है वो इंडिया में लिस्ट हो गया है IMEI डेटाबेस पर, मुकुल शर्मा ने ट्वीट किया था। तो इसका मतलब iQOO Z3 के बाद iQOO Z5 भी हमें बड़ी ही जल्दी देखने को मिल सकता है, और iQOO Z3 अच्छा फोन था, iQOO Z5 उससे भी अच्छा होगा। बस देखते हैं, धीरे धीरे इसके बारे में और पता चलेगा, चाइना की इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बाद इंडिया भी होगा। वैसे पहले ये iQOO 8 सीरीज आ जाए, उसके बाद iQOO Z5 की बात करते हैं। कल दोस्तों इंडिया में Realme GT और GT Master Edition लॉन्च हो रहा है, साथ में उनका लैपटॉप भी आ रहा है। खैर, Realme GT और GT Master Edition की इंडिया प्राइस लीक हो गई, अभिषेक यादव ने ट्वीट किया है। तो जब मैंने अनबॉक्सिंग किया था ना, उस वक्त मुझे नहीं पता थी, अब मुझे पता चल गई है, मुझे बाद में मैंने जब बात किया तो मुझे पता चला, मुझे पता है क्या प्राइस है, लेकिन फिर भी जो लीक हुई है वो ये है कि Realme GT 32,000 से 34,000 के बीच होगा, और Realme GT Master Edition जो है वो 26,000 से 28,000 के बीच होगा। तो ऐसा कुछ लीक हुआ है, कल देखते हैं कि क्या होता है। साथ में Realme का एकदम अफोर्डेबल 5G फोन जो है, जो हमें इंडिया में बड़ी ही जल्दी मिलेगा, जो अराउंड 7,000 to 8,000 का होगा, ये टेना पर लिस्ट हो गया है। जी हाँ, और इसकी स्पेक्स बाहर आ गई, एकदम एंट्री लेवल स्पेक्स है, 6.5 इंच की HD प्लस वाली डिस्प्ले है, 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का डुअल रियल कैमरा है, 8 मेगापिक्सल सेल्फी है, 5000mAh की बैटरी और 2.4 GHz वाला अननोन प्रोसेसर है, और ये वाला जो है वो शायद एक नया 5G चिपसेट हो सकता है। जो स्पेक्स है वो ठीक लग रहे हैं, बस अब देखते हैं कि ये फोन कितना जल्दी आता है, क्या नाम से आता है, थोड़ा टाइम में ही पता चलेगा। क्या आपको पता है दोस्तों, 1958 में दो ऐसे पायलट्स थे जिनका नाम था रॉबर्ट टिम और जिम कुक, उन्होंने लॉन्गेस्ट टाइम स्पेंड किया है किसी फ्लाइट में, यानी कि 2 महीने तक कंटिन्यूसली वो फ्लाइट में थे और वो लैंड ही नहीं हुआ, और जब उनको रिफ्यूल करना होता था तो वो क्या करते थे, नीचे ट्रक के जरिए रिफ्यूल करते थे। सोचो दोस्तों, 2 महीने तक रिकॉर्ड कायम है जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। आज की रिंग न्यूज यही खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको आज की रिंग न्यूज पसंद आएगी, लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।